हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्लम्बर टेक्नीशियन गोविंद मौर्या आप लोग के बीच में एक नया वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल मौर्या प्लम्बिंग वर्क को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर एक नया और अलग वीडियो लेके आ रहे हैं हम। देखिए, ये कोहलर का फिटिंग्स पूरा ये बाथरूम में लगा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं पूरा अटैचमेंट, पूरा ब्रैकेट के साथ में फ्लश टैंक है, ब्रैकेट अटैच। इसके लिए अलग से कोई चेयर ब्रैकेट डालने का, एंकर बोल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अपन शावर एरिया से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा शावर एरिया है, जो कि नॉर्मली डाइवेटर है। इसमें एक स्पाउट के लिए और एक हैंड शावर, एक ओवरहेड शावर के लिए जाएगा। तो आप देख सकते हैं, ये हमने 2 फीट में स्पाउट का पॉइंट रखा हुआ है। और उसी लाइन में देखेंगे आप तो जेस्प्रे 2-in-1 बिपकॉक के लिए पॉइंट हमने रखा हुआ है। तो सीधा पाइप ऊपर से जेस्प्रे का जा रहा है और बीच में एक पॉइंट दिख रहा है, जो कि टी पॉइंट है, मेन लाइन को अटैच हो रहा है बाहर से। और सीधा ऊपर से जाके ये बीच में करीब दोनों पाइप के बीच में 6-7 इंच का डिस्टेंस रहेगा। और ये स्पाउट का पाइप है, सीधा ऊपर वाला पहला राइट साइड का पहला पॉइंट स्पाउट को जा रहा है, जो कि सीधा नीचे से आके एक एल्बो मार के ब्रास एल्बो पे फिटिंग हो चुका है। और उसके बीच में आप देख सकते हैं मेन लाइन कोल्ड लाइन को कनेक्ट कर रहा है। और डाइवेटर में एक लेबल शो कर रहा है, जो कि आप देख रहे हैं इसमें पूरा सीधा दिखा रहा है। और लेफ्ट साइड का एक सीधा हमने होल मार के गर्म पानी का बाहर निकाल दिया, गीजर के लिए ऑनलाइन गीजर आएगा। और ऊपर का दूसरा लेफ्ट साइड का पॉइंट जो है, वो सीधा सीधा अपने को हैंड शावर के लिए प्रोविजन किया हुआ है। यहाँ पे उसका हैंड शावर का स्टैंड लग जाएगा बाजू में। और बीच वाला सीधा पाइप सीधा ऊपर जा रहा है शावर के लिए, जो कि हम सीलिंग में उसका प्रोविजन करेंगे। फॉल सीलिंग बनने तक वेट करना पड़ेगा इसको। और ये कोलर का फ्लश टैंक, और ये टोटली फिटिंग रोज गोल्ड में आएगा। नीचे मेन नैनी ट्रैप हो गया, 4-way नैनी ट्रैप डाला है। और बेसिन का आउटलेट सीधा सीधा 2 बैंड में फिनिश हुआ। 12 इंच में हमने राइट साइड दीवार से एक बेसिन का सेंटर रखा हुआ है, जो कि इसमें भी डाइवर्टर आएगा हॉट एंड कोल्ड का। आप देख सकते हैं इसमें एक लेवल बाटली दिया है, लेवल में है बराबर फिटिंग्स। और इसका हर फिटिंग से थोड़ा अलग है। दूसरा, आप कोई भी फिटिंग देखते रहेंगे उसमें लेफ्ट साइड से हॉट एंड लाइन होता है और राइट साइड से कोल्ड का लाइन होता है, जबकि इसमें अपोजिट है। लेफ्ट साइड से कोल्ड लाइन है, जो कि सीधा सीधा ऊपर वाला पाइप सीधा बाहर निकल रहा है, और नीचे वाला जो है राइट साइड से घूम के वो हॉट लाइन कनेक्ट कर रहा है। बाकी बाहर का फिटिंग करना बाकी है। फ्लश टैंक का यहाँ से आप देख रहे हैं, देखिए बीच में से सीधा पाइप हमने निकाल दिया है बाहर, तो फ्लश टैंक को सेपरेट रहेगा। इस वीडियो में इतना ही है। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो में कुछ खमियां हो या कुछ प्रॉब्लम दिखे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और किसी भी प्रकार का मुंबई के अंदर काम कराने के लिए संपर्क करें मौर्या प्लम्बिंग वर्क से। संपर्क नंबर 9594161707 एंड 9969797931। तो दोस्तों, आप प्लीज़ ज़रूर हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।